हाँ तो बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बच्चों बंदों ने क्या कहा, बंदों ने कहा कि यार देखो, ये न्यूक्लियस रहा, ये इलेक्ट्रॉन रहा। नाउ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली एग्जिबिटिंग वेव नेचर, हाँ है ना बच्चों, ये वेव क्यों ढंग से बन गई मेरी, क्लियर गाइस, बहुत घिनौनी वेव है यार, कंप्लीट वेव भी ना बन जाए। रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब ठीक है गाइस, द इलेक्ट्रॉन इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, हाँ है ना बच्चों। सिंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर, हाइजेनबर्ग ने ये तो कहा था, इट एग्जिबिट्स वेव नेचर, तो आइडिया क्या है, इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर कहीं भी हो सकता है, हाँ या ना। तो बेसिकली जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के लिए हम फिक्स पाथ की बात कर रहे थे, वो फिक्स पाथ तो रही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन दिस रीजन, सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी फॉर्म। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायोरिटी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है, वी कॉल दैट रीजन ऑर्बिटल, वेयर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम इज नॉट ऑब्वियसली 100%, क्योंकि 100 का तो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाएगा। लेट अस से प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे 90% है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, अरे हाँ है ना तो बोल दो गाइस। यस फाइन गुड। अब गाइस लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बताती है, इट टेल्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ एटम। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इट ट्राइज टू टेल यू अबाउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज व्हाट दैट इक्वेशन ट्राइज टू टेल अस। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, वी हैव गॉट साई, साई बीइंग योर वेव फंक्शन, हाँ है ना बच्चों, साई तुम्हारा क्या आ गया, वेव फंक्शन। बेसिकली यहां पे किस वेव की बात कर रहा है, द वेव फंक्शन इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज वेव। तो बच्चों साई हमें क्या बताता है, साई टेल्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, बेसिकली दिस हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज गॉट नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट जस्ट टेल्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। साई स्क्वायर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, साई स्क्वायर इज बेसिकली योर प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन बच्चों, दिस इज योर प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना गाइस। ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स प्रायोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, मतलब इसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम, कि एक पर्टिकुलर रीजन में व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वी कैन फाइंड इट आउट यूजिंग साई स्क्वायर, ठीक है ना गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब आते हैं क्वांटम नंबर्स पे, क्वांटम नंबर्स इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, वो हमें बताते हैं वेयर अ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन साइड द एटम। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन अ शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में, दैट इज वेयर अ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल के एक पर्टिकुलर सब शेल के एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है ना गाइस। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाया जाएगा, दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उस शेल के कौन से सब शेल में पाया जाएगा, दैट इज गिवन बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो उस शेल के कौन से सब शेल में पाया जाएगा, वो किससे होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, या वी हैव गॉट अनदर नेम फॉर इट, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इनफैक्ट वी हैव गॉट अनदर नेम फॉर इट, दैट बीइंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वी हैव गॉट थ्री नेम्स फॉर इट,
ठीक है ना गाइस, तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स टेल्स द शेल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड, अजीमुथल या सब्सिडियरी या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इट टेल्स द सब शेल वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड. ईच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए द सिंबल इज एल. अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए सिंबल इज एल, उसके लिए एन था, इसके लिए एल आया. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए द सिंबल इज एम एल. ठीक है बच्चों, एंड वी हैव गॉट अनदर क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, विच बेसिकली टेल्स अस अबाउट द स्पिन स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस टाइप का स्पिन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस गाइस. इज इट अ क्लॉकवाइज स्पिन, इज इट अ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इट बेसिकली टेल्स अस द स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ सिंबल एम एस या एस. बच्चों क्लियर है गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब बच्चों याद रखो, जो तुम्हारा साई है या साई स्क्वायर है, बेसिकली ये दोनों तुम्हें वैल्यूज बता रहे होते हैं किस चीज की. दे गिव अस वैल्यूज अबाउट एन एल एंड एम एल. ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमारा, इट डज नॉट रिलेट टू योर, बेसिकली ये तुम्हारा उससे नहीं पता चलता. दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा. जो हमारा एम एस है, योर स्पिन क्वांटम नंबर विच इज टेलिंग अस द स्पिन स्टेट, इट इज समथिंग एक्सपेरिमेंटल. ओके गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा. फाइन गाइस, मतलब इसका, इस एम एस का देयर इज नो क्लासिकल एनालॉग. जो बोर ने थ्योरी दी, बोर की थ्योरी को जब हमने क्वांटम नंबर्स में, उसे क्वांटम कॉन्सेप्ट में जब हम उसे इंकॉर्पोरेट करने लगे, तो ये तीन चीजें बोर में देखी गई. मतलब बोर के इनसे यू कैन रिलेट, बट एम एस इज समथिंग यू कैन नॉट रिलेट टू इन बोर थ्योरी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोर की थ्योरी में देयर वाज नो सच थिंग फॉर योर स्पिन स्टेट का. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? अरे हाँ तो बोल दो भाई. यस सर. राइट, अब हम कहेंगे एक शेल है, शेल में सब शेल है, सब शेल में तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स है और ऑर्बिटल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है. तो हमने कहा जो तुम्हारा शेल है वो पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. शेल जो तुम्हारा एन है, इट कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय के, एल कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल, 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम, एन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल को बिलोंग कर रहा है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इंस्टेड ऑफ 1, 2, 3, 4 वी कैन राइट डाउन के एल एम एन एंड सो ऑन. ठीक है ना गाइस? अब एन से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चलता है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसके बारे में क्या पता चलता है गाइस? उससे हमें दो चीजें पता चलती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है इन ऑर्बिटल एन से, और हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल की जगह वी कैन ऑल्सो सिंपली से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन. मतलब अगर तुम्हारा एन बढ़ेगा, से तुम फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल की बात कर रहे हो और सेकंड शेल के ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा. मतलब ऐसे समझो गाइस, 1s और 2s में किस ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा? 2s का बड़ा होगा. ऐसे ही 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2s की एनर्जी ज्यादा होगी. एन बढ़ रहा है, तुम्हारा एनर्जी और साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर. एन इंक्रीज होगा तो तुम्हारा 1 और 2 इंक्रीज करेंगे. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बढ़ेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट हमारा क्या है यार? तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, हमारा हाइड्रोजन एटम किसके लिए वैलिड था गाइस? जो हमारा बोर थ्योरी थी वो किसके लिए वैलिड थी? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड थी. हाँ है ना बच्चों? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तुम्हारा सिर्फ एन पे डिपेंड करती है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनर्जी और साइज इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन. क्लियर है?
it does not depend on the value of L and ML. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ML पे तो वैसे भी हम कहते हैं depend नहीं कर रहा होता, it depends on N and L. Basically ऐसे समझो जो energy of electron है वो depend कर रहा होता है वो कौन से shell के कौन से sub shell में. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक energy of electron कैसे बता देता है वो कौन से shell के कौन से sub shell में है, मतलब N और L की value decides the energy of electron. लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ओनली एन डिसाइड्स, ओनली और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आया नहीं आया गाइस? सिर्फ एन डिपेंड करता है, डिसाइड करता है. तुम्हें फॉर्मूले याद होगा गाइस, एनर्जी जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की तो उसमें क्या फॉर्मूला होता था? -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन. यहां पे L कहीं नहीं आ रहा है गाइस, देयर इज नो L इन द एक्सप्रेशन बच्चों. मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो तुम्हारा एनर्जी है दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ N, एंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए द वैल्यू डिपेंड्स ऑन N एंड L. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए वी बोथ नीड एन एन एल, ठीक है? वी नीड बोथ एन एन एल गाइस. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस बोलो. अब इन एक सिंपल फॉर्मूला, इन एनएच शेल देयर आर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? देयर आर एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स बच्चों. गाइस अब तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी एटॉमिक, यू नो दिस. एनएच शेल में देयर आर एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स, एंड इन n square orbitals, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. यू कैन हैव 2n² इलेक्ट्रॉन्स. हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? बच्चों कोई डाउट? अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पे. वी आर डन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके बारे में मुझे जो बताना था मैंने बता दिया. क्या मैंने ये तुम्हें बता दिया? क्यों? उससे पता चलता है, एन की वैल्यू से पता चलता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल. एन वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होगा. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ओनली एन डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एन एंड एल बोथ डिसाइड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना? एनएच शेल में एन स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे. अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर. व्हाट डज इट टेल अस अबाउट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के बारे में वो क्या बताता है बच्चों? गाइस ऐसे समझो जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है एल, पहली चीज L tells us the shape of orbital बच्चों. ये क्या बताता है? Shape of orbital का है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It tells us the shape of orbital and each L value represents orbital. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Sorry, represents a subshell. क्या कर रहा हूं यार? Represents a subshell. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है इन दैट सबशेल. उस सबशेल में देखो गाइस, मैंने बताया था एल क्या बताता है तुम्हारा, इट डिनोट्स अ सबशेल, राइट? हर एल वैल्यू डिनोट्स अ सबशेल, और उस सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप पता चलती है बाय द वैल्यू ऑफ एल गाइस. हाँ या ना? हर एल वैल्यू एक सबशेल को डिनोट करती है. एल वैल्यूज लेता है कौन कौन सी? 0 से लेके n-1. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी लेता है? टोटल वैल्यूज वो n ही ले रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? 0 से n-1, इट इज टेकिंग हाउ मेनी वैल्यूज? इट इज टेकिंग n वैल्यूज गाइस. ओके, अरे हाँ तो बोल दो भाई. यस सर. राइट, तो हमारा लेट अस से n इक्वल टू 1 के लिए l क्या वैल्यू लेगा? l विल टेक ओनली वैल्यू 0. n इक्वल टू 2 के लिए l दो वैल्यूज लेगा, दैट इज 0 एंड 1. n इक्वल टू 3 के लिए l तीन वैल्यूज लेगा, 0, 1 एंड 2. n इक्वल टू 4 के लिए l चार वैल्यूज लेगा, 0, 1, 2, 3. ठीक है? अब गाइस हर l वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ सबशेल, मतलब n इक्वल टू 1 में सिर्फ एक सबशेल है. कौन सा? l इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? s सबशेल. तो ये गॉट 1s ओनली. ठीक है ना बच्चों? n इक्वल टू 2 में दो सबशेल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू l इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 1. तो l इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? s सबशेल. तो इसमें s सबशेल भी है और L इक्वल टू 1 बेसिकली P सबशेल भी है. L इक्वल टू 1 डिनोट्स P सबशेल.
यहां पे एल इक्वल टू जीरो एस बी है, पी बी है एंड एल इक्वल टू डी सबशेल भी है, सो यू हैव गॉट थ्री एस थ्री पी थ्री डी। ठीक है बच्चों, यू हैव गॉट डी सबशेल ऑल्सो। इसमें क्या होंगे, यू विल हैव एस, यू विल हैव पी, यू विल हैव डी एंड यू विल हैव एफ। गाइस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों यहाँ गाइस, यहां तक कोई डाउट? L इक्वल टू जीरो तुम्हारा S सबशेल था, L इक्वल टू वन हमारा P सबशेल है, L इक्वल टू टू डी है, L इक्वल टू थ्री F है। तो बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट शेल के अंदर ओनली S सबशेल इज देयर, सेकंड शेल में S और P सबशेल है, थर्ड शेल में S P D है, फोर्थ सब शेल में S P D F सबशेल है। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? और अगर हम F के बाद आगे सोचे, सपोजिंग N इक्वल टू फाइव पे जाए, तो एस पी डी एफ के बाद क्या आएगा गाइस? जी। ओके बच्चों, तो उसमें एस पी डी एफ एंड जी सबशेल होंगे। अब मैंने बताया था कि ईच एल वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ सबशेल, जो कि मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि एल इक्वल टू जीरो इज एस, एल इक्वल टू वन इज पी, एल इक्वल टू टू इज डी, एल इक्वल टू थ्री इज एफ। ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, एल टेल्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल। तो हमें क्या बताया गाइस, L इक्वल टू जीरो इस सबशेल के जो भी ऑर्बिटल है, तुम रियलाइज करोगे बाद में S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, स्फेरिकल। L इक्वल टू वन मतलब P सबशेल के अंदर, P सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल्स है उनकी शेप क्या होगी गाइस, डम्बेल। L इक्वल टू टू जो हमारा D सबशेल है उसके अंदर जितनी भी तुम्हारे ऑर्बिटल्स है उनकी शेप क्या होगी, डबल डम्बल। एंड लेट अस से एफ की शेप यू कैन ऑटोमेटिकली यू जस्ट चेक, मतलब चेक कर लो यार नेट पे, आई एम नॉट गोना मेक द शेप गाइस। ओके बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस? बोलो भाई, समझ गए? यस सर। राइट, तो आइडिया क्या है, जैसे तुम्हारा पी सबशेल की जितनी भी ऑर्बिटल्स है, बाद में तुम देखोगे इन अ मिनट कि वी हैव गॉट थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ वन पी सबशेल, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसे तुम्हारा D सबशेल के अंदर यू हैव गॉट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स गाइस, फाइव। तो आइडिया क्या है, वो जितने भी तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं दे आर डबल डंबल इन शेप। जो S ऑर्बिटल, S सबशेल का जो ऑर्बिटल है जिसको हम S ऑर्बिटल ही बोल देते हैं सिंपली, दैट इज स्फेरिकल इन शेप गाइस। स्फेरिकल हो गया तुम्हारा ये, डंबल हो गया ये, डबल डंबल हो गया ये गाइस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? सो दैट इज द शेप ऑफ S P एंड D सबशेल के ऑर्बिटल्स का है। ओके, अब आते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट। हमने क्या क्या देख लिया गाइस, वी हैव सीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी हैव सीन अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर में यू हैव गॉट टू नो अनदर थिंग, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चों? इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट एल एल प्लस वन h by 2 pi, h by 2 pi को कई बार reduce Planck's constant भी बोलते हैं, written like this बच्चों। Clear है guys? तो by chance कोई 2p orbital का angular momentum, 2p subshell के orbital का angular momentum पूछ रहा है, तो guys p की l value क्या होती है, 1, so it will be basically 1 into 1 plus 1 which is 2 h by 2 pi which will be root 2 h by 2 pi बच्चों। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है guys? या root 2 reduce Planck's constant, हाँ या ना guys? clear है यहाँ तक? मतलब अगर कोई 2p का angular momentum पूछ रहा है तो understand करो he is talking about orbital angular momentum। अगर वो 2 shell का, second shell का angular momentum पूछ रहा होता तो क्या होता बच्चों? second shell में एक electron है उसका angular momentum पूछ रहा है, तो we would have used nh by 2pi, that was your angular momentum, this is your orbital angular momentum। Angular momentum is given by nh by 2 pi, that is basically your angular momentum and this is your orbital angular momentum which is given by a different formula root L L plus 1 h by 2 pi बच्चों। हाँ या ना? Clear है guys? अरे बोलो भाई। अब आते हैं third पे, which is your magnetic quantum number। हमने principle कर लिया, principle को मैंने कहीं लिखा था, दिखाई नहीं मैंने। This was your प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। उसके बाद हम आए अजीमुथल क्वांटम नंबर पे, नाउ लेट अस गो ऑन टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों। अब गाइस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल ML, ये हमें क्या बताता है बच्चों? पहली चीज ML की ईच ML वैल्यू डिनोट्स अ ऑर्बिटल। एंड गाइस पहली चीज हर एक ML वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करती है, और दूसरी चीज ML वैल्यू एक्चुअली टेल्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। गाइस कई बार पूछ लेते हैं कि ये वैल्यूज या इस क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। फिर तुम्हारा अजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? यू गेट द आइडिया ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू गेट अ आइडिया ऑफ द शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? यू गेट अ आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक चीज ऑब्वियस सी है, जितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी उतनी ही तुम्हारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। जितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं ऑफ अ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस उतने ही तुम्हारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आइडिया क्या है गाइस? ML तुम्हारा फॉर अ पर्टिकुलर L वैल्यू, ML टेक्स वैल्यूज फ्रॉम माइनस L टू L गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ML सारी वैल्यूज लेता है फ्रॉम माइनस L टू L, टोटल वैल्यूज कितना ही लेगा वो? 2L प्लस 1 वैल्यूज। बेसिकली माइनस L से लेके माइनस 1, फिर 1 से लेके L और बीच में तुम्हारा 0। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज टेक्स इज 2L प्लस 1। तो यहां से तुम समझ सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर L वैल्यू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय 2L प्लस 1। फॉर अ पर्टिकुलर सब शेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सब शेल इज 2L प्लस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो L इक्वल टू 0, S सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे गाइस? इट विल बी 1 ऑर्बिटल। हाँ या ना? S सब शेल में देयर विल बी 1 ऑर्बिटल, P सब शेल में L की वैल्यू 1 डालो यू विल हैव 3 ऑर्बिटल्स, L इक्वल टू 2 हम कहेंगे, D सब शेल में यू विल हैव 5 ऑर्बिटल्स एंड L इक्वल टू 3, F सब शेल में यू विल हैव 7 ऑर्बिटल्स गाइस। अरे बच्चों कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चे बोल ही नहीं रहे भाई, सन्नाटा। बोलो गाइस, मैं धीरे धीरे बोले आ रहा हूं। राइट, अब बच्चों S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल था तो उसे हम S से डिनोट करते हैं, वी डोंट नीड एनी अदर सिंबल फॉर इट। P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, वी राइट देम डाउन एज PX, PY, PZ डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। D के तुम्हारे 5 ऑर्बिटल हैं, दे आर रिटन एज DXY, DYZ, DXZ, DX square, Y square and DZ square. These are the 5 orbitals that you have in your D subshell. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? You have got to remember this. These are facts guys which you have got to remember. अब बच्चों देखो, ध्यान से देखते हैं ना, मैं एक बार इसे लिख देता हूं, PX, PY, PZ। हमने कहा ये जो 3 orbitals हैं ये तुम्हारा किस किस वैल्यू के लिए है? माइनस एल टू एल, इन तीन वैल्यूज के लिए हमारे 3 ऑर्बिटल निकल के आए। हाँ है ना? एस की मैंने बात ही नहीं करी क्योंकि एस के लिए तुम्हारी एल वैल्यू 0 थी, तो तुम्हारा ऑर्बिटल एक निकल के आया। एक ऑर्बिटल के लिए तुम्हें यू डोंट नीड एनीथिंग। लेकिन पी के तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कोरिस्पॉन्डिंग टू एम की वैल्यूज माइनस 1, 0, 1। तो कौन सा ऑर्बिटल किस वैल्यू को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। PX, PY can take any value, plus minus 1, इनमें से किसी को भी दे दो। आइडिया क्या है? PZ is for M equal to 0 guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? PZ तुम्हारा M equal to 0 है या ML equal to 0 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? PZ का तुम्हारा ML value क्या है guys? 0. Okay? This 0 is for PZ orbital, और PX, PY के लिए हम ML value माइनस प्लस 1 कोई भी ले सकते हैं, इट डज नॉट मैटर किसको तुम क्या कौन सी वैल्यू दे रहे हो, प्लस 1 माइनस 1 इट डजंट मैटर गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस बोलो। गुड। अब गाइस पीजेड जो है
दैट इज अलाइंड अलोंग द जेड एक्सिस, दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. अब गाइज यहां पे अंडरस्टैंड करो, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. नाउ व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट? वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइज? दिस एंड इज, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे. दिस इज बेसिकली योर साइन ऑफ द वेव फंक्शन. तो गाइज अगर हम यहां पे पी एक्स की बात करें, लेट दिस बी, या इसको वाई मान लेते हैं, तो तुम्हारा पी वाई ऑर्बिटल विल बी अलाइन लाइक दिस. बच्चों दिस विल बी योर, दिस वॉज योर पी जेड, दिस वॉज योर पी वाई. और पी एक्स क्या होगा? लेट दिस बी जेड. तुमने कहा ये जेड है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है. तो योर एक्स विल बी लाइक दिस. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस बीइंग पॉजिटिव, दिस बीइंग नेगेटिव, दिस बीइंग पॉजिटिव, दिस बीइंग नेगेटिव. ओके बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? बोलो. ये हमारे तीन ऑर्बिटल हो गए, पी एस, पी वाई, पी जेड. फाइन. एंड गाइस जस्ट टेल मी, आर दीज ऑर्बिटल्स सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस? बच्चों बताओ, आर दीज ऑर्बिटल्स सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस? भी छोड़ो, आर दीज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? ओरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है. बोलो. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर गाइस इज देयर इज साइन ऑल्सो प्रेजेंट. सो यू कैनॉट से द ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इट्स नॉट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो भाई. यस सर. एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन? बच्चों बताओ, एस का सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन? यस इट इज करेक्ट. एस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये हमारा एस था, एस को हम पूरे को एक साइन से नोट करते हैं. एस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. अब आते हैं डी पे बच्चों. लेट अस गो ऑन टू डी. डी में तुम्हारे पास पांच ऑर्बिटल थे, हाँ है ना? यू हैड गॉट डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड. तो उसको मैं लिख देता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. अब बच्चों दीज विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एम की कौन कौन सी वैल्यूज गाइस? एम की वैल्यूज फ्रॉम माइनस टू टू टू, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ. यस सर. दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर एम एल की वैल्यूज फ्रॉम माइनस टू टू टू. तो कौन सा क्या क्या वैल्यूज लेता है, यू हैव गॉट टू रिमेंबर दैट. हम कहेंगे ये दोनों वैल्यूज लेते हैं प्लस माइनस वन. इनमें किसी को भी एक को प्लस वन दे दो, एक को माइनस वन दे दो. ये जो दोनों है, दिस टेक वैल्यूज प्लस माइनस टू एंड दिस टेक वैल्यू जीरो. समझ में आया नहीं आया गाइस? फैक्ट टू लर्न, दैट्स इट. अब बच्चों आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल. हम कहेंगे डी एक्स वाई को अगर तुम देखो, डी एक्स वाई को देखो, तो हम कहेंगे ये एक्स रहा, ये वाई रहा. दैट इज हाउ द ऑर्बिटल इज. ओके बच्चों, इट इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? डी एक्स वाई इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन. एंड इफ यू लुक एट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे बताओ, इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? बच्चों बताओ, इज इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? कम ऑन गाइस, ओरिजिन से तुम इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, इज इट सिमेट्रिक? गाइस बोलो. यस सर. इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Your p orbital was not symmetric about origin, but d orbital, yes, it is symmetric, just like s orbital, बच्चों. Clear है, guys? अब मुझे बताओ, ये dxy था हमारा. dxy के अंदर, if you find, try to find an electron along zx plane, तो क्या तुम्हें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिल सकता है along zx plane. zx समझ रहे हो, guys? zx plane का मतलब समझ रहे हो? अगर तुम्हारा ये जेड एक्स है, ये वाई है, तो गाइस जेड तुम्हारा क्या होगा? मतलब डू यू रियलाइज एक्स जेड प्लेन विल बी दिस प्लेन? बच्चों हाँ है ना? एक्स जेड प्लेन विल बी दिस प्लेन, वाई जेड प्लेन विल बी दिस प्लेन. मतलब कम ऑन, अंडरस्टैंड करो गाइस, ये वाई है, सॉरी ये जेड है, तो एक्स जेड प्लेन विल बी बेसिकली और दिस प्लेन. गाइस दिस प्लेन को अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज नथिंग बट प्लेन लाइंग अलोंग दिस लाइन. वाई जेड प्लेन कौन सा होगा बच्चों? दिस प्लेन. तो अलोंग एक्स जेड या वाई जेड प्लेन इज देयर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन? बच्चों वहां पे ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें? यस सर. नो. तो अलोंग एक्स जेड या लेट अस से वाई जेड प्लेन देयर इज नो ऑर्बिटल. एक्स जेड या वाई जेड प्लेन
प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो बच्चों। अब आते हैं डी वाई जेड। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन, इज देयर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एक्स वाई प्लेन तो यही प्लेन हो गया ना गाइस, दिस इज द प्लेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यस, देयर इज प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन, हाँ या ना? यस सर। राइट, डी वाई जेड को देखोगे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज हाउ डी वाई जेड लुक्स लाइक। एक काम करो, इसको y मानो, इसको z मानो, तुम रियलाइज करोगे स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डी एक्स वाई। बच्चों वहां पे एक्स वाई में देख रहे थे, यहाँ पे हम वाई जेड में देख रहे हैं, ऐसे ही एक्स जेड देखोगे तो इट विल बी नो डिफरेंट। एक्स जेड विल, इसमें तुम एक्सिस को ये मान के चलो, वी आर ऑब्जर्विंग अलोंग एक्स एंड जेड एक्सिस, यू रियलाइज द शेप इज ऑलमोस्ट मतलब सेम, एक्सेप्ट कि तुम कौन से एक्सिस के अलोंग देख रहे हो ऑर्बिटल को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन लिया था, यहाँ पे हमने वाई जेड लिया, यहाँ पे हमने एक्स जेड प्लेन लिया। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ। यस सर। राइट, साइन गोज लाइक दिस ओनली, मतलब यू कैन रियलाइज दैट द ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फाइन, दिस इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गोज लाइक दिस, होल्ड ऑन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा कुछ ज्यादा ही खराब बनता जा रहा है यार, क्या करें। That's better, way better. ठीक है बच्चों, this is your d x square y square orbital. बच्चों मुझे बताओ, इस axis के along क्या तुम्हारा probability of finding electron कुछ है या it is zero? Sir zero. Zero. Good. अब आते हैं d z square पे। Let this be but x. इसका कोई use होता है? इसके ऊपर क्वेश्चंस के टर्म्स में पूछ रहे हो? यस सर। हाँ बेटा, जब तुम नोड की बात करोगे तो दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? समझ गए बेटा? जैसे डी जेड स्क्वायर के अंदर, जैसे मैं बताऊंगा, इज देयर एनी, कैन यू हैव एनी नोडल प्लेन? यू कैन नॉट हैव एनी नोडल प्लेन, समझ गए बेटा? Nodal plane is a plane passing through center of atom and probability of finding electron should be zero over there. You will realize there is no nodal plane in dz square. Jabki tumhare baakiyon mein, yes, you can have nodal planes. Baaki sabhi orbitals mein tumhara nodal plane aayenge, but except in dz square, you will have zero nodal plane. Samajh rahe ho beta? Yes. So yes, questions can be asked. Ye jo maine abhi statement boli thi, ki tumhara dxy ke andar, what is the priority of finding electron along xz plane? This is a question that can be asked in JE mains. वो कहेंगे चार statement है, which of the following is false, और उसमें एक statement ऐसी भी दे रखी है. Clear है? Okay. There is a reason कि मैं questions, मतलब ये statement बोलता जा रहा हूँ कि by chance इस type का question आ जाए, you are able to attempt it correctly. Fine. अब आते हैं spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इट कैन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। उसके हिसाब से हमने दो वैल्यूज दे दी इलेक्ट्रॉन को, आइदर इट विल हैव प्लस हाफ वैल्यू और इट विल हैव माइनस हाफ वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर टू वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज स्पिन अप, दैट इज नोन एज स्पिन डाउन। ओके बच्चों, फाइन। बेसिकली कन्वीनियंस के लिए हमने क्या बोल दिया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, अदरवाइज इट इज टेलिंग अस द स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ये हमारा समझने का तरीका है, इट इज फॉर अवर कन्वीनियंस, एक्चुअली इट इज जस्ट टेलिंग अस द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन गाइस? यस बच्चों। राइट, एंड वी हैव गॉट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो।
which is given by the formula root s s plus 1 h by 2 pi. हम कहेंगे यार यहाँ पे s की वैल्यू माइनस हाफ तो डाल ही नहीं सकते, we'll just put the value s equal to plus half and you will get the value of spin angular momentum as root 3 by 2 into reduced Planck's constant, या root 3 by 2 h by 2 pi. ठीक है guys, बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो. फाइन गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जा सकता है कहां पे नहीं पाया जा सकता है, एक्स स्केल जो मैंने अभी बताया, जो बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, इट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड बिकॉज इट इज सिंपल. लेकिन अगर तुमने नहीं कभी ऐसा देखा हुआ तो देयर इज अ प्रायोरिटी यू जस्ट माइट अटेम्प्ट इट रॉन्ग या यू माइट लीव द क्वेश्चन. ओके गाइस, अब आते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बींग what is the magnetic moment of a substance, magnetic moment of a substance. वैसे सही पूछा जाए तो ये मुझे बाद में करवाना चाहिए, after we are done with basically your arrangement of electrons in orbitals. लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इतना तो तुम्हें आता है, ठीक है ना guys, ये मैं करवाऊंगा, आई विल डिस्कस कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस. ये हमारा, इसके लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, दैट इज अ यूनिट गाइस, बोर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो कि हमें कैसे पता चलता है गाइस, बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस क्लियर है या नहीं? तो बच्चों अभी तुम्हें याद होगा मैंने किसमें सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. गाइस जो तुम्हारे डायमैग्नेटिक होते हैं उनमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो. क्लियर और नॉट गाइस, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो, बिकॉज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. फाइन गाइस, और जो तुम्हारा पैरा और फेरो है उनमें यस वी हैव गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट. अब ये पता लगाना कि इन मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है, वी कैन अंडरस्टैंड इट विल बी पैरा या फेरो, लेकिन उनमें से कौन सा होगा, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट जस्ट आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग एट द मैग्नेटिक मोमेंट. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, पैरा होगा या फेरो होगा, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट द मैग्नेटिक मोमेंट दैट नॉन जीरो वैल्यू. हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? नहीं सर, यस सर बोला था. ओके फाइन, अब आता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं इनसाइड अ ऑर्बिटल. फाइन, तो हमारे पास भी अबाउट सम रूल्स. पहला आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, सिंपल टर्म्स में तो ये कहता है, होल्ड ऑन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली तो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, दैट इज व्हाट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स, यू कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन. मतलब एक का अगर स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन, एक का स्पिन अप तो दूसरे का स्पिन डाउन. गाइस इसको उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या कहा, स्टेटमेंट की फॉर्म काफी खराब है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, द स्टेटमेंट दैट पॉली स्टेटेड वॉज दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, जिसका क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, मतलब अगर ये ऑर्बिटल है और इसमें मैं तीन इलेक्ट्रॉन भर देता हूं तो इसमें हमने कौन सा रूल फ्लाउट किया है गाइस, हमने इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फ्लाउट कर दिया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के, मतलब अगर मैं ऐसे भी डाल देता हूं इलेक्ट्रॉन्स को तो भी हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फ्लाउट कर दिया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, बिकॉज वी हैव पुट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन इन अ ऑर्बिटल.
हाँ या ना गैस बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। अब बच्चों यहां पे यहां से काम की चीज क्या निकल के आती है, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हम क्या कहते हैं भाई, ध्यान से देखो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब एस सबशेल में यू कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं राइट, और पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, हम कहेंगे हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन दैट आर पॉसिबल इज सिक्स। डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 10। एफ सबशेल में सात ऑर्बिटल होते हैं, सात ऑर्बिटल कौन से गाइस, माइनस सी टू सी वैल्यू के, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, माइनस एल टू एल, तो हम कहेंगे एफ सबशेल में यू कैन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स का है। बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो भाई, गाइस बताओ। हेलो ओके नेक्स्ट पे आते हैं, वी आर डन विद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेट अस गो टू आउटबाउ प्रिंसिपल पे आते हैं। आउटबाउ प्रिंसिपल, ओबो प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले कम एनर्जी की वाले ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस क्लियर है या नहीं, बच्चे बोल ही नहीं रहे। एंड दिस इज हाउ ही टोल्ड अस व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 3d से ज्यादा एनर्जी 4p की, 4p से ज्यादा एनर्जी 5s की, उससे ज्यादा एनर्जी 4d की, फिर 5p की, फिर 6s की, उससे ज्यादा एनर्जी 4f की, उससे ज्यादा 5d की, उससे ज्यादा 6p की, उसके बाद 7s की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, हाँ या ना बोलो गाइस, समझे नहीं समझे, बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओबो प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एंड दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। फाइन गाइस, याद है किसी बच्चे को कोई डाउट, गुड, यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट। अगर तुम्हें किन्हीं दो सबशेल के ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी चेक करनी है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वी हैव गॉट अ फॉर्मूला विच इज गिवन बाय बेसिकली बोर बरी रूल है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपेयर एन प्लस एल वैल्यू फॉर टू सबशेल्स ऑफ डिफरेंट शेल, एन प्लस एल वैल्यू कंपेयर कर लो, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और बाई चांस एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो जिसकी n वैल्यू कम फॉर सेम n प्लस l वैल्यू n जिसका कम उसकी एनर्जी कम। एग्जाम्पल देखो, हम कहेंगे 4s लिया 3d लिया, n प्लस l वैल्यू कंपेयर करके देखो, हमें पता है कि तुम्हारा 3d की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s, 4s के बाद तुम्हारा 3d आ रहा है, हम कहेंगे लेट अस सी यहां से 4s के लिए n प्लस l वैल्यू क्या आ गई 4+0, 3d के लिए n प्लस l वैल्यू क्या आ गई 3+2, n वैल्यू 3 l वैल्यू 2, तो तुम कहोगे n प्लस l वैल्यू इसकी ज्यादा है, दिस इज हायर एनर्जी देन दिस, बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर कंपेयरिंग 4p एंड 3d, तुम देखोगे 3d के लिए n प्लस l वैल्यू 3+2, 4p के लिए n प्लस l वैल्यू 4+1, दोनों के लिए n प्लस l वैल्यू इज कमिंग आउट सेम, तो जिसका लोअर n है उसकी एनर्जी कम है, तो गाइस 3d हैज लोअर एनर्जी देन 4p एंड यू कैन सी 3d की लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 4p गाइस। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, गाइस बोलो भाई, हाँ या ना, यस या एम आई गोइंग टू फास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू किड, द किड्स हु हैव नॉट स्टडीड विद मी, बताओ भाई निमई समझ आ रहा है,
बेटा निमाई हेलो नॉट रेस्पॉन्डिंग इन क्लास अभी उदय बेटा समझ आ रहा है आ रहा है ओके अभी उदय तुम्हें भी समझ आ रहा है यस सर आ रहा है और परिचय बेटा परिचय है क्लास में परिचय भी है बेटा समझ आ रहा है गुड तो आइडिया क्या है दीज वर द रूल्स फाइन अभी तुम्हें मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है उसमें कोई खास डिफरेंस आया होगा द डिफरेंस विल कम व्हेन वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस गाइस देन यू विल रियलाइज कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं ठीक है ना दूसरी चीज जो शायद तुमने पहले जब भी पढ़ा तब ये चीज ध्यान ना दियो द कर्व्स ठीक है ना द कर्व्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में तो पता ही नहीं इतना धीरे हम कैसे चल रहे ठीक है गाइस तो बच्चों एनीवे यहां तक क्लियर है तो गाइस ओपो प्रिंसिपल सिंपली क्या स्टेट करता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी जब पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल भर गए उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरे जाएंगे फाइन क्लियर है बच्चों यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट यस ओके कोई डाउट नहीं गुड अब आते हैं हुन्स रूल पे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अच्छा बच्चों एक चीज और सपोजिंग कोई बंदा कहना चाह रहा है कि इसमें कौन से रूल फ्लाउट हो रहे हैं एंड लेट अस से उसने कुछ ऐसा दे रखा है 4s 4p और ने ये कह रखा है गाइस अंडरस्टैंड करना बच्चों ध्यान से गाइस इज दिस करेक्ट इसमें तुम्हारा कौन सा रूल इनमें तुम्हारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फ्लाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर हो रहा है क्योंकि तुम्हारा यू हैव गॉट two electrons in the same orbital having same spin you will be having orbitals you will be having electrons of opposite spin in a particular orbital ye kar deta hu to isme kaun sa rule flout ho raha hai guys batao mujhe of the wala oh wo ho raha hai kyunki 4s pura bhadne se pehle your 4p should not be filled ha hai na yes sir good ab aate hain hund's rule of maximum multiplicity गाइस सबसे पहली चीज इट टॉक्स अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल ये किसकी बात कर रहा होता है इट टॉक्स अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के सिंपली मतलब क्या है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इट सिंपली मींस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ 4p में जो p के तीन ऑर्बिटल है px py pz आर दे डीजेनरेट बोलो बच्चों They are degenerate. By chance मैं 3d के d के पांच ऑर्बिटल ले रहा हूं तो दे ऑल सॉरी पांच ऑर्बिटल ले रहा हूं 3d के तो ऑल फाइव ऑर्बिटल ऑफ 3d आर degenerate. मतलब ऐसे समझो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एंड एंड एल वैल्यू आर degenerate. इनमें जो तुम्हारा सेम थर्ड शेल के तुम्हारा d सब शेल के जो पांच ऑर्बिटल हैं, दे ऑल थ्री आर ऑल फाइव आर degenerate. सिमिलरली फोर शेल के पी सब शेल के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ऑल थ्री ऑफ देम आर डीजेनरेट मतलब उनकी एनर्जी सेम है समझे या नहीं समझे गाइस बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ यस मतलब अगर मैं 4f लेता हूं तो उसके जो सेवन ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल सेवन ऑफ देम विल बी डीजेनरेट दे विल बी हैविंग सेम एनर्जी तो हुन्स रूल क्या कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब शुरू होती है व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ऑल द ऑर्बिटल्स हैव बीन इनिशियली सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब आसान भाषा में अगर हमारे पास p सबशेल के तीन ऑर्बिटल हैं तो गाइस p सबशेल में के ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब शुरू होगी जब पहले सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट तो पेयरिंग इन p सबशेल विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो गाइस मुझे बताओ डी सबशेल में पेयरिंग कब से स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन पहले सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट तो डी सबशेल में व्हेन विल योर पेयरिंग स्टार्ट बच्चों विद विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन सिक्स दैट्स नाइस इट विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्स इलेक्ट्रॉन गुड गाइस दैट्स नाइस ओके अब आते हैं बच्चों एक काम की चीज डी जनरेट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए फॉर
सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। बच्चों डू यू रिमेम्बर गाइस, वहां पे हमने एक चीज देखी थी, एनर्जी वॉज -13.6 Z² / N² फॉर NH शेल, हाँ है ना बच्चों? मतलब एग्जाम्पल लो N=3 का, N=3 का मतलब हो गया 3s 3p 3d। वो बंदा ये कहना चाह रहा है कि 3s की बात कर रहे हो, 3p की बात कर रहे हो, 3d की बात कर रहे हो, आई डोंट केयर, उनकी जो एनर्जी इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मतलब हमें पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमें पता है 3d की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3p एज कंपेयर टू 3s, हाँ है ना? और वो प्रिंसिपल से हमें पता है कि 3d की एनर्जी ज्यादा है, 3p की उससे कम है, 3s की उससे कम है, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बोलो। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी सेम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n, इन तीनों की n वैल्यू सेम है। इन तीनों सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी सेम होगी। समझिया नहीं समझेगा? इन सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी सेम होगी। तो प्लीज टेल मी यहां पे N=3 में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकल के आने वाले हैं, बताओ मुझे। बोलो गाइस। 9 करेक्ट। तुम इसको या तो हरे का ऐड करके देखो, इसके 1, इसके 3 और इसके 5, ये सारे के सारे डीजेनरेट है, दे ऑल हैव गॉट सेम एनर्जी। या तुम कहते यार N=3 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, N², हाँ या ना? These all these 9 orbitals will be having same energy. We are talking about single electron species. Multi electron species की बात कर रहे हैं तो 3d में कितने orbital degenerate होंगे, 5। cp में कितने orbital degenerate होंगे, 3। समझो आ रहा है नहीं आ रहा है guys? और by chance single electron species है तो हम सीधा N=3 की बात करेंगे, we'll say N=3 में कितने degenerate orbitals निकल के आएंगे, 9। समझे या नहीं समझे guys? बोलो हाँ या ना बच्चों, बताओ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बोलो। आई डोंट थिंक सो। ओके गाइस, बच्चों अब आते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अब हम एक्चुअली फिलिंग करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो बच्चों ये काम करते हैं, लेट अस जस्ट डिस्कस द केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, वही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो तुम्हें पता है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे इलेक्ट्रॉन्स भरने में दिक्कत आती हो, हाँ या ना? बोलो गाइस, किसी को दिक्कत आती है? 24 क्या होता है बच्चों? गाइस तुम्हें पता है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू सी। नॉर्मली होना चाहिए 4s2 3d 4, बट द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d 5 बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल। ये बंदा हाफ फिल्ड सबशेल है, ये बंदा हाफ फिल्ड सबशेल है, जिसकी वजह से 4s2 3d 4 के बजाय द कॉन्फ़िगरेशन गोज टू 4s1 3d 5, हाँ या ना? दैट वॉज फॉर क्रोमियम। एंड फॉर कॉपर इंस्टेड ऑफ हैविंग 4s2 3d 9 What you have is 4s1 3d 10। ये half filled हो गया, ये fully filled subshell हो गया, हाँ या ना बच्चों? Guys किसी बच्चे को कोई doubt यहाँ तक? बोलो guys। बच्चों किसी बच्चे को कोई doubt है या नहीं है? No sir। Good। तो मुझे ये बताओ बच्चों, एक simple सा question। Chromium के अंदर what is the magnetic moment? बोलो guys। बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट वॉज √(nn+2) बोर मैग्नेटॉन। डेसिमल में ना निकालने बैठ जाना, मुझे रूट में ही चाहिए। क्रोमियम में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट गाइस? बच्चों बताओ। √48। ऑब्वियसली इतना टाइम कैसे लगा रहे थे गाइस? इट विल बी √48 बोर मैग्नेटॉन, हाँ या ना? ठीक है ना? अच्छा बच्चों अब देखो गाइस, जो हमारे वो हैं वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारे प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है उनको तो हम डिस्कस करेंगे, उन कर्व्स को
और प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन के कर्व और प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कर्व, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करना पड़ेगा, नोट्स को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच पर्टेन्स टू दिस टॉपिक ओनली। बच्चों अगर हमें ध्यान से देखो, अगर हमें सीआर सी प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे सीआर सी प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बोलो बताओ गाइस। इट विल बी बेसिकली सीआर सी प्लस में जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, पहले हम आउटर से निकालेंगे फिर हम इनर पे जाएंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमने ऑल दो पहले हम 4s में भरते हैं फिर हम 3d में भरते हैं, हाई एंड नॉर्मली, गाइस क्लियर है या नहीं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तुम निकाल लोगे, बट द पॉइंट रिमेन्स कि हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर 3d में भरते हैं, बट वेन यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन यू रिमूव देम फर्स्ट फ्रॉम द आउटर शेल देन गो ऑन टू द इनर शेल, गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू करते हो पहले हम आउटर से निकालेंगे फिर हम इनर से निकालेंगे, गाइस जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज तुम्हारे पास 4s2 3d4 है, हमने कहा कि इसके सॉरी 3d3 है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट ये हमारा कौन सा होता है गाइस, विच एलिमेंट इज दिस, आई थिंक इट इज वेनेडियम, हाँ है ना, मुझे बताओ वेनेडियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बताओ मुझे गाइस, या व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम 2+, बोलो गाइस, थ्री राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो और कह दो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, एक, नहीं जी, पहले तुम्हारा 4s से निकलेगा फिर 3d से निकलेगा, 4s के दोनों निकल गए, यू विल हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली यू विल हैव √15 एज द मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ या ना गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन क्लास इफ यू रिमेंबर गाइस, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, हमें चार्ज निकालना था और एंड वी आर गिवन द मैग्नेटिक मोमेंट, सपोजिंग हमें मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दिख रहा है तो वेनेडियम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे गाइस, सो दैट यू गेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज 1, सपोजिंग तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट से जब n की वैल्यू निकाली कम्स आउट इक्वल टू 1, जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ वेनेडियम सो दैट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन वेनेडियम इज 1, सर 5, ओ 5 भी का है भाई, तुम्हें 0 थोड़ी ना करना है मैग्नेटिक मोमेंट, 4, राइट, सो वेनेडियम पे चार्ज विल बी 4+, हां या ना, क्लियर और नॉट गाइस, बोलो भाई, बच्चों समझ में आया या नहीं आया, बच्चे बोलिए, आ गया समझ में, वेरी गुड, नेक्स्ट क्लास में गाइस वी विल डिस्कस नोड एंड वी विल डिस्कस योर कर्व्स, प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन कर्व, ओके गाइस, बच्चों अब एक काम करते हैं, होल्ड ऑन,